गजन आज है गजन से आज फिर है गजन आज यहाँ से किले जाने आज तो आज में अच्छा तो दल आज तुम्हें तू तू क्या आना है और तू दल आज ना मुझे फुल भर फिर तू तू छू फुल भर लाज चाहिए अच्छा कहन ला सकते बहनी रहन ला से अच्छा काच में दिखा दे अमा अमा के अमा के दे पे तो यार मेहन से ना ला से तो मगे दे दे ली अमा दे दिया ओके मगे के लेन दियो। सो हेलो एंड गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज, मैं ईश्वर बिष्ट आज फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे। तो थोड़ा सा दरअसल यार सामान ख़त्म हुआ था नमक वगैरह, तो अभी मम्मी बोल रही थी कि सामान ले करके वहाँ से थोड़ा नमक वगैरह लेकर करके, तो मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पर। और बाकी ये मोहित भाई ने हल्द्वानी से ये हीटर भेजा हुआ था, तो ये हीटर मैं उनके घर में दिया हूँगा, तो दोनों काम हो जाते हैं। अभी मोहित भाई का ये हीटर भी घर में दे आता हूँ और बढ़िया करके सामान भी ले आता हूँ वहाँ से। और गाइस आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम ठंडा हो रहा है और आसमान में काफ़ी बादल लगे हुए हैं सब जगह पर। सुबह भी थोड़ा सा बारिश हुई थी और अभी भी बादल लगे हुए हैं, तो मौसम अभी भी बन रहा है बारिश का। और ये जो रास्ता है ये तो यहाँ से सीधे स्कूल से जाता है और मैं कटूँगा यहाँ से राइट साइड में, तो यहीं से मोहित भाई का घर आता है नीचे। नीचे देखिए गाइज, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वो है मोहित भाई का घर, तो वहीं पे देना है। वैसे तो मेरे को दुकान को जाना है, देखता हूँ आवाज़ लगाता हूँ किसी को, इसके साथ में मैं चलूँगा आप दुकान में। ये काम कर उनको दिया दें तो उन्होंने इस दल आ चुके हैं। दरिया से दरिया से अभी भैंस बना दरिया तो क्या हाल जी हाल कई घूमते घूमते अच्छा घुमन तो गए। ये आज आलू का ढुलान चल रहा है, ये तीन घोड़े लेकर के, एक घोड़ा आगे से जा रहा है, एक घोड़ा ये और एक घोड़ा है पीछे। तीना तीन अपने से गेम आप बजा रहे क्या टोर आप बजा रहे टोर है मगर दीदी आप बोलो हम दो पैकेट नून तो गई। दरअसल यार एक पोपट हो गया है जहाँ पे मैं दुकान में गया था अपने गांव की बुरासी पे, तो वहाँ पे दरअसल नमक ही नहीं है, वहाँ पे नमक ख़त्म है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोखराज की शॉप में जहाँ से परसों मैंने अगरबत्ती बता से लिए थे जिस दिन शिव मंदिर में गया था मैं, तो चलिए वहाँ पे जाता हूँ वहीं से लूँगा। तो गई आजकल बारिश का मौसम है तो दरअसल रास्तों में देखिए मतलब इतना ज़्यादा मतलब काई हाई जमी हुई ना, ये देखिए आप काई हाई वगैरह जमी हुई है, बारिश के टाइम में हो ही जाता है। ये हमारे पहाड़ की भाषा में इसको जिफाव बोलते हैं, क्या जिफाव? आलू भुजिया वाली होगी तो वो देखना, नहीं तो फिर बेसन भुजिया देखना। और बाकी 10 रुपये बचना, ऐसा कर दे टॉफ़ी दे दे बाकी। तो गए जब भी फाइनली मैं दुकान से सामान लेकर के आ गया हूँ, ये देखिए सामान लेके आ गया। और बाकी यार मौसम ख़राब हो गया पूरा, ऊपर देख सकते हैं पूरा कोहरा लग गया है, बादल लग गए हैं और मतलब बारिश आने का हो रहा है, तो फटाफट में तो निकलना पड़ेगा घर के लिए। और अभी बाकी देखिए नीचे खेतों में यहाँ पे लोग कोई गोभी होभी गो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे को अभी काफ़ी टॉप में जाना है, ऊपर जहाँ मेरा घर है वहाँ का ना उत्तरधार है, तो वहाँ पे पहुँचना है मेरे को। गाइज अभी समय लगेगा, यहाँ से काफ़ी दूर भी है तो फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि यार मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। सो गाइज अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ अपने गाँव के स्कूल में, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गया यार मैं, मतलब थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पीछे मेरा सामान रखा हुआ है तो स्लीप पे यहाँ पे बैठा था मैं, स्कूल पे बैठा था। तो यार यहाँ पे स्कूल पे बैठ के मतलब अपनी काफ़ी बचपन की पुरानी यादें मतलब याद आ गई मेरे को। बचपन में मैंने जब एक में मतलब जो अपना प्राथमिक विद्यालय होता है यही है वो अपने गांव का, बचपन में हमने यहीं पे पढ़ा। तो अभी गए मैं फाइनली दुकान से आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ घर पर और सामान तो अभी खैर ऊपर रख दिया है। और
वहाँ की यार काफ़ी थकान में लग गई थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, तो बारिश भी आने लग गई थी। अभी बारिश भी आने लग गई है, देखिए मतलब मेरे घर में आते ही मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे गए पहाड़ों में आपको बादल एकदम सामने से दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपने सामने से उड़ते हुए स्पीड में, बिल्कुल देखिए जैसे कि पीछे जा रहे हो। तो आजकल गए आपको यहाँ पे पहाड़ों में मतलब डेली आजकल ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। क्या बना लाइस हो किसानो, कहू जाल कहू कहू खाद में धरा ढोल आ गया यार, कुछ करना फुफा ये। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, चाची अब ले जा रही है इनको चराने के लिए। अरे पछल के चल के रेट ना हो उसका डर लगना यार, ये देखिए चल चल चल। अरे के पत्ते बढ़िया है भाई, नहीं बढ़िया भाई फेटले संगने सिंह है कट्टा चारी चला चला तो पाँच जगह पछल के नेट चल ठीक है चल भी लिया। हाँ ठीक छे ने ब्याज ने पेट भर भी लिया तुम डब बेचारी चला चला। तो गए जब भी अम्मा यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए आई हुई थी धार में, तो उसने ये बै ये बहड़ियों को भी खोल लाने के लिए बोला, तो मैं घर से इनको खोल करके लाया। अभी धार में यहाँ पे हका के चला छोड़ दिया है मैंने, धार में छोड़ के आ गया हूँ। और अभी आप थोड़ी देर बढ़िया करके चरेंगे वहाँ पे। आजकल बरसात के टाइम में यार तो मतलब हरी हरी घास का हो ही रही है, थोड़ी देर में ही पेट भर जाएगा उनका। कहू वाह बंदी है ना कहू इतके जा साइड के तब यार बांध बांध लागना है तब तक यार बांध बांध लागना है यो अब हीरो लागना कहू अब हीरो लागना बनी हमारा कल भी चला गया। सो गाइस अभी फाइनली शाम होने को आई है और अभी समय हो रहा है 6:30। तो आज के ब्लॉग को मैं गाइस यहीं तक का रखूँगा, तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो बाकी आपको मैं मिलता हूँ गाइस कल सुबह अगली नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।